हेलो दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है या फिर हमारे इलेक्ट्रिकल सुरक्षा के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर पर जानेंगे ब्रास सें जो कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है हिंदी में ब्रास का मतलब पीतल होता है और चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसका यूज़ कहाँ पर होता है देखिए दोस्तों यह इलेवन के वी ओवर हेड लाइन का लाइन है जो कि इलेवन के बी अभी चालू है लेकिन चालू स्थिति में ब्रास सें का उपयोग नहीं करना है मेंटेनेंस करना है तो पहले इलेवन के का सप्लाई बंद करते हैं उसके बाद ब्रास सें को तीनों इलेवन के वी लाइन में शॉर्ट करके इस प्रकार फेंका जाता है कि तीनों लाइन शॉर्ट हो जाए और शॉर्ट हो जाने के बाद वायर के माध्यम से ग्राउंड कर लेते हैं दूसरे नंबर पर जानेंगे डिस्चार्ज और आर्ट इस प्रकार से होता है डिस्चार्ज और आर्ट मेंटेनेंस करने से पहले ट्रांसफार्मा हो या फिर ओवर हेड लाइन हो काम करने से पहले डिस्चार्ज और आर्ट करना जरूरी है जो पावर आ रहा है उसे ग्राउंड कर लेते हैं और डिस्चार्ज और आर्ट कई प्रकार से आते हैं इलेवन के के लिए अलग आता है एक सौ के बी के लिए अलग आता है अब जानेंगे दोस्तों डिस्चार्ज और आर्ट का यूज़ कैसे करते हैं सबसे पहले इलेवन के में जो लाइन आ रहा है उस सप्लाई को बंद करते हैं उसके बाद इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं और वायर के माध्यम से ग्राउंड कर लेते हैं यह लाइनमेन वर्कर की सुरक्षा के लिए डिस्चार्ज और आर्ट का उपयोग किया जाता है तीसरे नंबर पर जाने के हैंड ग्लव नेचुरल सिंथेटिक रबर का बना होता है और इसका थिकनेस एक दशमलव जीरो पांच एमएम से लेकर दो दशमलव जीरो पाँच एम एम होता है यह इलेवन के वी के लिए अलग आता है और दोस्तों एक सौ बत्तीस के के लिए अलग आता है अपने को जितने के में काम करना है उतने के का हैंड ग्लव्स यूज़ करना है और दोस्तों ग्लव्स को चेक करते रहना है कहीं से पंचर नहीं हुआ है अपने को लगे कि कहीं से पंचर है तो यूज़ नहीं करना है चौथे नंबर पर जाने के सेफ्टी जूता इसमें मटेरियल यूज़ होने वाला पदार्थ पीवीसी से बना होता है और इसमें अन्य प्रकार से मेटल का यूज़ नहीं होता है और दोस्तों इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जूता रेजिस्टेंस हाई होता है और कोई सा भी जूता आपको नहीं ख़रीदना है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वाला जूता ही पहने जो रजिस्टेंस हाई होता है वही जूता पहने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए पाँचवें नंबर पर जानेंगे सेफ्टी हेलमेट इस हेलमेट में मेटल का यूज़ नहीं होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हेलमेट का वेट चार सौ ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दोस्तों इस प्रकार से हेलमेट आप देख सकते हैं प्लास्टिक का होता है छठवें नंबर पर जाने के सेफ्टी बेल्ट दोस्तों आपको पता होगा सेफ्टी बेल्ट का यूज़ कहाँ होता है इसका यूज़ लाइन मैन वर्कर पोल चढ़ते समय या फिर ट्रांसमिशन लाइन में काम करना हो तो इसका यूज़ होता है सेफ्टी बेल्ट में रूप का भी यूज़ होता है इसमें मटेरियल यूज़ होने वाला नाइलोन का बना होता है और दोस्तों यह डाई मीटर बारह एम एम का होता है लेकिन दोस्तों आपको कहीं लाइन मैन देखे होंगे रस्सी का यूज़ करते हैं वो भी ठीक है लेकिन दोस्तों आपको सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी रूप दोनों होना आवश्यक है लाइन मैन वर्क कर को सातवें नंबर पर जाने के सेफ्टी एप आर पी लेडर एप आर पी का फुल फॉर्म होता है फाइबर ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक अपने को इसी प्रकार से लेडर का यूज करना है दोस्तों आप लकड़ी का भी लेडर यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए वो भी अच्छा होता है और दोस्तों ये वीडियो में हमने जाना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टूल्स से के बारे में और दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें